आज तक सेंटा क्लॉज से कोई गिफ्ट नहीं मिला है, तो सोच रहा हूँ कुछ ना कुछ तो मिले। एटलीस्ट कोई सेंटा क्लॉज ही नहीं मिल रहा है मेरे को, इतनी देर हो गई। देखते हैं, ढूंढते हैं। वो पता नहीं मेरे बारे में कुछ बात कर रहे थे। इस रूम में कुछ अच्छा है अपने सेंटा क्लॉज एंड ऑल। आज है क्रिसमस, मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू गाइस। और आज का दिन काफ़ी मज़े में, मतलब मज़ा आने वाला है। बच्चे हेलो बोल रहे हैं, ये है अंश, वो है कुंज, आपने देखा उन लोगों को मेरे ब्लॉग में। और चलते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं, आज बड़े छोले उठ रहे हैं, अंदर चलते हैं खाते हैं और मिलते हैं आपसे इसके बाद। ब्रेकफास्ट में छोले भटूरे, साथ में दूध है, खाता हूँ। और ये मेरे फेवरेट है, मैं एक ही खाऊंगा, ट्राई करूंगा कि एक ही खाऊंगा, ये चीट हो जाएगा। तो फाइनली मैंने नाश्ता कर लिया था, उसके बाद मैं अब निकल रहा हूँ चर्च के लिए। पर लेके कुछ चर्च जो फेमस है मैं आपको दिखाऊंगा, विजिट कराऊंगा, देखते हैं कि डेकोरेशन कैसी है, क्या है। मेरे साथ जा रहा है तनिष, कुंज जा नहीं पा रहा है क्योंकि उसकी कोचिंग वाली मैम आ रही है। चलते हैं, एंजॉय करते हैं। पहले हम चर्च चल रहे हैं, वो है जो बटलर के सामने चर्च है, मेरे को नाम नहीं पता, मैं नाम पूछ के ही बताऊंगा वहाँ पर उस चर्च का नाम क्या है। चलते हैं वहाँ पर। सो ये वाला फ्लाईओवर अभी नया बना है बरेली में, ये स्ट्रेट मतलब ये वाई शेप में बना है। स्ट्रेट जाएंगे तो हम निकलेंगे मिशन पे। अभी ये सब्जी सिटी सब्जी मंडी से स्टार्ट हुआ है और स्ट्रेट निकलेगा मिशन पे, और हम लोग लेफ्ट लेंगे तो निकलेगा अयूब खां चौराहा बीकानेर की तरफ। ये एक शॉर्टकट है, हम लोग इधर से चल रहे हैं मिशन हॉस्पिटल के अंदर से, हम अशोका फॉर्म की तरफ निकलेंगे यहाँ से। अच्छा, हम लोग एंट्री से जा रहे हैं, वॉचमैन भैया बोल रहे हैं कि उधर से जाना है हमको, चलते हैं उधर से। इन गेट ये है, हम आउट गेट से जा रहे थे, सॉरी हमारी मिस्टेक हो गई, हमने देखा नहीं। मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को शॉर्टकट पता होगा ये वाला, बहुत ज़्यादा कम लोगों को, क्योंकि किसी को पता नहीं है आजकल, मतलब आजकल क्या किसी को नहीं पता इतना। और सामने आपको अशोका फॉर्म दिख भी रहा होगा, वो बिल्डिंग अशोका फॉर्म की है सामने जो दिख रही है। और रात में तो चर्च पर बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, मतलब बहुत गंदी वाली भीड़। मैं क्योंकि 2-3 साल से तो आया नहीं हूँ कोविड के चक्कर में, 2-3 साल पहले आया था तो बहुत गंदी सीन, गंदा सीन था, और पुलिस वगैरह मतलब काफ़ी गंदा सीन था। अगर मेरे वाली फुटेज पड़ी होगी तो मैं ज़रूर डालूंगा, चेक करूंगा एक बार, है नहीं वाली फुटेज, एक बार चेक कर लूंगा मेरे डेस्कटॉप में। इधर तो रोड ही बंद कर दी गई है पूरी की पूरी, क्योंकि थोड़ा सामने ही चर्च है आगे, और इधर कार पार्किंग की भी जगह नहीं है। देखते हैं कार कहाँ लगाएं, रोड पूरी ब्लॉक है, कार पार्क हमने इधर कर दी है और उधर रोड ब्लॉक था, तो हम सामने जिस गली से आए थे उसी गली में हमने गाड़ी पार्क करी है और अब पैदल पैदल चल रहे हैं। रोड रात में ब्लॉक होती थी शायद, बट आज सुबह ही ब्लॉक कर दी, कोई नहीं, चलते अंदर चर्च की तरफ। ब्लॉक करके इधर पूरा छोटा सा मार्केट लग गया है, फास्ट फूड कॉर्नर और सब ये सब स्टॉल लगे हुए हैं बच्चों के लिए रात में, क्योंकि यहाँ बहुत गंदा रश होने वाला है। अब चलते हैं चर्च के अंदर, अभी भी भीड़ है, रश है, कम है, रात में बहुत गंदा होने वाला है। ये सब पहले स्टॉल्स रखते थे इस साइड में, बट आज को ज़्यादा ही भीड़ है। फाइनली चर्च इज हियर, गेट देखते हैं गेट किधर है। मैं आया हूँ चर्च में एक दो बार, क्योंकि 10th तक मेरा जो स्कूल था वो यहीं कहीं था, इसको मतलब पीछे था, ज़्यादा दूर नहीं था, तो हम एक दो बार यहाँ पर घूमने आए हैं। चर्च तो बंद है, हाँ मेरे को टाइमिंग नहीं पता है चर्च खुलता कब है, बट हम चर्च के अंदर नहीं जा पाएंगे, बट कोई नहीं, बाहर से ही मजे लेते हैं। ये सब बैठ रखे हैं चर्च का, वेट कर रहे हैं चर्च कब ओपन होगा। इधर से कुछ चर्च का अंदर का दिख जाए शायद, कुछ भी नहीं दिख रहा है।
हल्का बहुत अंदर का दिख रहा है, डेकोरेशन हो रखी है, इधर फोटो शूट चल रहा है सब जनों का। ये हमारा बेचारा ऊँट गिर गया, इधर ऊँट ही है शायद ये, हाँ कैमल है। और रात में उधर कुछ प्रोग्राम होगा मेरे ख्याल से, देखते हैं। हाँ प्रोग्राम ही होगा, पूरा स्टेज वगैरह, स्टेज लाइट और सब कुछ डेकोरेट कर रखा है। मेरे को लगा था कि चर्च ओपन होगा, बट चर्च ओपन नहीं है, बट कोई नहीं। मैं थोड़ा साइड में आया हूँ इधर प्रोग्राम स्टेज की तरफ, रात में आई थिंक इधर प्रोग्राम होगा। और चर्च के आगे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी लोग आए हैं मेरे ख्याल से, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं चर्च की तरफ। बट अभी पता नहीं क्लोज है, टाइमिंग होती होगी शायद 4 बजे खुलेगा, अभी तो टाइम हो रहा है 2, बट कोई नहीं, हम लोग दूसरी जगह चलते हैं, देखते हैं खुला हो। फाइनली ये अंकल गेट भी बंद कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। भैया ये चर्च खुलेगा कब? अरे रात में खुलेगा, किसके नहीं खुलेगा, क्यों? अरे भैया अच्छा अच्छा ये कह रहे हैं चर्च ही नहीं खुलेगा, पता नहीं क्यों, पता नहीं वो कह रहे हैं चर्च ही नहीं खुलेगा। मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं खुलेगा, रीज़न क्या है, कोई नहीं। अब लौटते जब आएंगे तो देख लेंगे, अगर चर्च खुला होगा तो हम देख, मैं पूरा विजिट करा दूंगा। चलते जब तक दूसरी चर्च पर, चलते हैं कार की तरफ एक बार। आपको सामने चौकी चौराया है और ये इस साइड बटलर है हमारा, मेरे को ये समझ में नहीं आया चर्च बंद क्यों है। वो पता नहीं क्यों रूडली बात कर रहा था इतना कि चर्च बंद हो गया है, बंद हो गया, बंद हो गया, पता नहीं यही सब बोल रहा था। आई थिंक रात को खोलेगा या रात के 12 बजे खोलेंगे चर्च को, मेरे को पता नहीं, नो आइडिया। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएगा कि उन लोगों ने चर्च क्यों बंद कर दिया, या क्या आई थिंक कुछ लड़ाई वगैरह हो गई होगी इससे पहले जब हम नहीं आए होंगे, या कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। या दिन में चर्च को खोलते नहीं है कुछ, जो भी है वो आप हमको प्लीज़ कमेंट में बताएगा अगर किसी को पता हो तो। हम चलते हैं कार की तरफ दूसरे चर्च में, पूरी की पूरी बंद है तो हमको रॉन्ग साइड पे भी चलना पड़ रहा है, ज़्यादा नहीं चलना पड़ेगा थोड़ा सा। अब हम जिस चर्च में जा रहे हैं वो कैंट में है, और इस चर्च में दिशा पटानी या पाटनी जो भी सरनेम है, सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, दिशा पटानी आई थिंक या पाटनी जो भी है, समझ गए आप लोग, वो बहुत जाती थी इस चर्च में। कुछ फोटोज़ भी, मतलब एक दो फोटोज़ भी हैं जो उसने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रखे हैं, मैं वो आपको दिखाऊंगा अभी इस वीडियो के बाद में, दिख जाएंगे आपको। और चलते हैं उस चर्च में, और गर्मी बहुत हो रही है, मैं जैकेट उतारूंगा, मेरे को बहुत पसीना आ रहा है। फाइनली जो कैंट में चर्च था हम उस चर्च में आ चुके हैं, कार पीछे पार्क कर दी है, और ये हमारे जस्ट पीछे चर्च है, चलते अंदर। ये इस चर्च के बारे में पूरा लिखा है, चर्च का नाम है सेंट स्टीफन चर्च, चलते अंदर। ये आई थिंक साल में एक ही बार खुलता है चर्च, वो सामने चर्च है काफ़ी दूर, और इसी चर्च में दिशा पटानी आती थी काफ़ी बार, मतलब काफ़ी बार उन्हें विजिट कराई वाला चर्च। चलते हैं हम अंदर। तो ये है पूरा चर्च, ये ऐसा दिखता है, और ये साल में सिर्फ एक ही बार खुलता है। चलते हैं अंदर, काफ़ी कम लोग आते हैं पर मतलब इतना पता नहीं है लोगों को इस चर्च के बारे में। अब मेरे को सेंटा क्लॉज अभी तक एक भी नहीं दिखा है, पता नहीं क्यों। चर्च के बाहर तो मेरे ख्याल से होने भी चाहिए सेंटा क्लॉसेस, काफ़ी सारे गिफ्ट देने चाहिए बच्चों को। ओके अंदर काफ़ी अच्छा लग रहा है, चलते अंदर। ये कुछ अंदर से चर्च ऐसा है, ये पूरा बैठने का हॉल है, यहाँ पर बुक्स रख रखी है, जिसको बुक्स पढ़ना है पढ़ लो, बाइबल वगैरह जो भी मतलब बुक्स हैं लीजिए, मेरे को पूरा नाम नहीं पता है। पोडियम से फादर या सिस्टर स्पीच वगैरह देते होंगे, ये सब बैठते होंगे, यहाँ जो मेन जूरी होती होगी चर्च की या जो भी लोग होते हैं, यहाँ से भी स्पीच दी जाती होगी। मैं बहुत हल्के बोल रहा हूँ, सब हल्के बोल रहे हैं।
जब तक जब मेरे टाइम लैप्स बन रहे थे ना तो मैं अंदर चेयर से बैठ गया था, मतलब इतना सुकून, इतनी शांति मिल रही थी ना मेरे को, मतलब क्या ही बताऊँ मैं आपको। आप भी हो सके तो क्रिसमस में चर्च वगैरह पे आइएगा, अच्छा लगेगा आपको। और यहाँ पर सब लोग अपने फोटोज फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। पीछे थोड़ा गार्डन टाइप है, पेड़ हैं, पौधे हैं, मज़े कर रहे हैं लोग, पिकनिक मनाने टाइप से आ गए हैं, इन्जॉय कर रहे हैं सब लोग। अब लोग चलते हैं अब बाहर की तरफ। तो फाइनली हम लोग इस वाले चर्च में चले गए और अब चलते हैं हम लोग बिशप वाले चर्च, क्योंकि बिशप वाला चर्च अभी शायद जिस रोड से मैं आया था उससे पड़ा नहीं था, अब जिससे जाएंगे उसमें बिशप वाला रोड पड़ेगा, बिशप वाली चर्च पड़ेगी सॉरी। और अब चलते हैं बिशप वाली, और हल्की सी भूख लग रही है तो चलते हैं, कुछ खाते भी हैं और मज़ा आने वाला है, चलते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं, कार को मैंने पीछे पार्क कराए फंस वाली रोड पे, और अब हम लोग आ गए हैं बिशप वाले चर्च। और ये बिशप कॉन्वेंट स्कूल, अगर आप लोगों को नहीं पता, अगर आप लोग बरेली के बाहर से हैं, बरेली वालों को तो पता होगा कि ये स्कूल है, बिशप कॉन्वेंट स्कूल है, और इसमें मैं भी पढ़ा हूँ 6th क्लास में दोहना ब्रांच में, बट एक ही साल पढ़ पाया था मैं इस स्कूल में, और ये क्रिश्चियन स्कूल है। तो चलते हैं अंदर चर्च में, और यहाँ की चर्च भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बड़ी है, चलते हैं अंदर। ये स्कूल का गेट है, अंदर चर्च है, चलते हैं अंदर। ये पूरा स्कूल है और ये इसी स्कूल का चर्च है, काफ़ी अच्छा चर्च है, और ये स्कूल की फेट भी लगती है इस टाइम पे, आई डोंट नो कि फेट लगी है कि अभी नहीं लगी है। लुक एट दिस, यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ है, और यहाँ पर एक भूल भुलैया है, कभी अभी मैं सब कुछ आपको विजिट कराऊंगा। मेरे को तो 5-6 साल बाद आया हूँ इस चर्च में। फाइनली हम लोगों ने अपने शूज यहाँ रख दिए हैं, ऐसा कुछ व्यू है यहाँ से, ये पूरा का पूरा स्कूल, और चलते हैं अंदर चर्च में। ये स्कूल का चर्च है, छोटा सा सेंटर। तो ये स्कूल के चर्च के पीछे काफ़ी कुछ है, अभी सब कुछ दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ स्कूल का ग्राउंड और स्टेज। ये स्कूल का पूरा ग्राउंड है, और वो सामने स्टेज, वही ये है पूरा स्कूल का स्टेज, और ये पूरा ग्राउंड है। पहले यहाँ फेट लगती थी, अब पता नहीं फेट लगती है कि नहीं लगती, या कोविड के चक्कर में नहीं लग रही है, या स्कूल बंद है इस चक्कर में नहीं लग रही है फेट, अदरवाइज यहाँ की फेट बहुत अच्छी थी, और बहुत फेमस फेट है बरेली की, ऋषभ की फेट। ये एग्जीबिशन है, आई थिंक, आई डोंट नो व्हाट This? उस साइड से एंट्री है, पीछे से, ओके इधर से एग्जिट है, हम लोग को एंट्री की तरफ जाना पड़ेगा, एंट्री अब उधर से है, एंट्री यहाँ से है, चलते हैं अपन लोग। मैरी क्रिसमस लिख रखा है काफ़ी अच्छी तरीके से, न्यू ईयर 2022। ये स्कूल की साइड से, ओके थैंक यू। ये एग्जीबिशन आई थिंक स्कूल एग्जीबिशन।
रूम में कुछ अच्छा है अपने सेंटा क्लॉज एंड ऑल। सबका फोटो चल रहा है यहाँ पर। तनिष को टास्क दिया है कि जाके सॉल्व कर, वो जो भूल भुलैया कह रहे थे ना वो यही है, ये पजल है। इस साइड से जाना है, उधर कहीं से निकलना है, उधर से। तो ये तनिष जा रहा है, देखते निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा। हम तो भैया ऐसे निकलते हैं ऊपर से चढ़ के। लो निकल गया वो, इजीएस्ट वे है इसको ऊपर से चढ़ के कर लो। ये शैडो दिख रही होगी आप लोगों को मेरी, ये हो गया मैं। और इधर से कहीं चल रहे हैं कुछ है इधर से। अब ये आई थिंक केव है, पता नहीं क्या है, अंदर जाने का रास्ता लोग जा तो रहे थे अंदर। मेरे को लगा कोई सेंटर क्लॉज तो मिलेगा यहाँ पर, विश्वाभ इतना बड़ा स्कूल है और सब कुछ, मतलब इतना सब कुछ अच्छा डेकोरेशन है, सब कुछ है, बट सेंटा क्लॉज मेरे को अभी तक एक भी नहीं मिला जो गिफ्ट वगैरह दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को गिफ्ट चाहिए है। मेरे को आज तक सेंटा क्लॉज से कोई गिफ्ट नहीं मिला है, तो सोच रहा हूँ कुछ ना कुछ तो मिले, एटलीस्ट कोई सेंटा क्लॉज ही नहीं मिल रहा है मेरे को इतनी देर हो गई। देखते हैं, ढूंढते हैं, वो पता नहीं मेरे बारे में कुछ बात कर रहे थे। चलते हैं। तो फाइनली हम लोगों ने वाला पूरा चर्च घूम लिया है, मैंने आपको भी पूरा एक एक पॉइंट दिखा दिया है। अब चलते हैं चर्च से फंस पे कुछ खाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी भूख लग रही है मेरे को। मैं भटूरे मैंने 2 दिखाया, मैंने एक था बट मैंने 2.5 भटूरे खाए थे। तो अब फंस चलते हैं, देखते हैं कुछ खाते हैं। तनिष को भूख लग रही है, इसको कुछ खिलाना है, और चलते हैं पहले कार के पास फिर फंस। और हल्की हल्की भीड़ बढ़ रही है, हम लोग आ गए फंस कुछ खाने। भीड़ बहुत ज़्यादा है, आप लोगों ने अगर मेरा पिछला ब्लॉग नहीं देखा था वो फंस के ऊपर ही था, मैं लिंक डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर लीजिएगा। अब कुछ ऑर्डर करते हैं और खाते हैं। मैंने खा रहा है पनीर पैटीज, और मैंने लिए है अपने लिए पेस्ट्री पाइनएप्पल। खाते हैं, मेरे को भूख नहीं लग रही थी मैंने इसलिए। फाइनली हम लोगों ने पैटीज खाने के बाद थोड़ा सा इधर उधर घूमे थे, बोला मेरे को घुमा दो, तो हम लोग थोड़ा सा घूमे और हम जा रहे हैं घर। राइट नाउ द टाइम इज 5:23 और हम कार चला रहे हैं और चल रहे हैं घर। तो मिलते हैं आपसे घर पे अब डायरेक्ट। फाइनली मैं अभी जिम आ गया हूँ और एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं। आज मैं करूँगा ट्राइसेप्स। ये है आशीष भाई, आपने इनको देखा होगा कबाली वाली ब्लॉग में, या मैं निकी स्कूटी बैठ के गया था। और अब आते हैं, करते हैं वर्कआउट स्टार्ट। फाइनली मैं जिम के बाद घर आ गया, अपना डिनर करा। डिनर में मैंने छोले के साथ थोड़ा सा पुलाव खाया, खूब सारे छोले खाए और प्रोटीन पिया। और क्रिसमस ईव है आज, और कुछ दिनों में न्यू ईयर भी आने वाला है। तो आप सब लोगों ने क्या क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लिए हैं, क्या क्या प्लानिंग करी है? फिलहाल पार्टी तो आई थिंक हो नहीं पाएंगी, हाउस पार्टी तो हो पाएंगी, क्योंकि यूपी में नाइट कर्फ्यू लग गया है 11 to 5 मॉर्निंग में, तो इस चक्कर में। और मैं कुछ रेजोल्यूशन लिया है वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। नेक्स्ट ब्लॉग जो मेरा आएगा वो भी मे बी आई थिंक 2nd of January को आएगा मे बी, और शायद ये शायद कंफर्म नहीं बोल रहा कि मेरा ये इस ईयर का 2021 का लास्ट ब्लॉग हो सकता है शायद। अगर मैंने ये, मेरे को पता नहीं है कि इसके बाद ब्लॉग मेरा होगा या इस वीक में या नेक्स्ट अपकमिंग वीक में, तो देखते हैं। आज के लिए इतना ही, अगेन मैरी क्रिसमस टू ऑल। अगर आपने ब्लॉग यहाँ तक देखा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय।